नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। बिलारी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, सभी विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर दी योजनाओं की जानकारी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व एमएलसी व भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सिंह पप्पू चौधरी। आज बिलारी में बिलारी के ग्राम खड़ौआ व सिहाली लड्ढा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुँची, सभी विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर योजनाओं की जानकारी दी तथा ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी एवं भाजपा नेता पप्पू चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्राम खड़ौआ तथा सिहाली लड्ढा में पहुंचने पर बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछली सरकारों की तुलना करें तो वर्तमान मोदी सरकार में रक्षा बजट ज्यादा है तथा अनेकों प्रकार के हथियार मुहैया कराए गए हैं। पहले पाकिस्तान हर दिन भारत को आंख दिखाता था, आज उसकी औकात नहीं कि वह भारत की तरफ देख भी ले। इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल वाला पहला का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, बैंक विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभागों से आए संबंधित कर्मचारियों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम में खतौनी का वितरण भी किया गया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म पूरी की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यात्रा के संयोजक जितेंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अवनीश चौधरी, विधानसभा विस्तारक रवि सैनी, अनुसूचित मोर्चा के मंडल सुनील वाल्मीकि, जिला कार्यकारी सदस्य डॉक्टर आनंदपाल सिंह दिवाकर, मंडल महामंत्री दिनेश यादव, ग्राम प्रधान लाकेंद्र यादव, ग्राम प्रधान रविंद्र चौधरी, ब्रिजलाल कश्यप सेक्रेटरी लेखपाल पंचायत सहायक आदि उपस्थित रहे। पहचान मिलती है, पहचान ऐसी पहचान जो बाकी सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा मान्य होती है। उस शर्मिंदगी को हटाने का काम हुआ, माताओं बहनों के खुले में शौच जाते हुए सड़क के किनारे फोटो खींचकर विदेशी अखबारों में छापे जाते थे कि भारत कितना पिछड़ा देश है। उस शर्मिंदगी को 70 साल बाद इस मोदी सरकार ने ही हटाया। माताएं बहनें चूल्हे पर गर्मी में लकड़ियां बीन कर लाती थी, चूल्हे पर भोजन बनाती थी, धुएं और पसीने से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, टीबी की बीमारी लगती थी। उसका ख्याल भी इस मोदी सरकार ने किया, किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। और घर घर फ्री गैस कनेक्शन देकर ने अपने हाथ से 10 करोड़ का कनेक्शन एक महिला को दिया। 10 करोड़ कनेक्शन का मतलब होता है 50 करोड़ आबादी को फ्री कनेक्शन देना। घर घर बिजली पहुंचाने का काम जब 2014 में मोदी सरकार आई तो हिंदुस्तान के आधे गांव में बिजली नहीं थी, और जिन गांव में थी भी तो एक आध ट्रांसफार्मर था, उसी से सिंचाई भी होती थी और गांव के 10-20 घरों में बिजली भी जलती थी। मगर मोदी सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चलाकर मोदी सरकार के द्वारा किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार गांव गांव ट्रांसफार्मर लगे, बिजली की लाइनें बिछाई गई, किस तेजी के साथ तमाम बिजली घर बनाए गए। जो ये काम हुआ वो 70 सालों में जो सरकारें उसका आधा चौथाई भी नहीं कर पाई थी, उतना काम सिर्फ 3.5 साल। कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, जो पात्र हमारे हैं जिनको योजना ना पहुंच रही है उन लोगों तक पहुंचे। और एक योजना और चल रही है, मैं इसके आपके माध्यम बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके अंतर्गत जो गांव में हमारे व्यक्ति रहते हैं, जैसे नाई के काम करते हैं, प्रजापति होते हैं, हलवाई होते हैं, राजमिस्त्री हैं या कारपेंटर हैं, वो अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा करके 1 लाख रुपए के तक का ऋण भारत सरकार उनको 4% की ब्याज पे बैंक से मुहैया कराएगी। इसके लिए आपको आधार कार्ड ले आके
और जाति सर्टिफिकेट ले आके किसी भी CST केंद्र से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। आज संकल्प यात्रा का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, इसका जानना चाहेंगे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांव गरीब को जागृत करना और सारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देना, और 2047 तक हमें अपनी एकता बनाए रखनी है। लोग फूट का बाजार गर्म किए हुए हैं, उस फूट से बचकर रहना है, देश को मजबूत बनाना है। 2047 तक पहले स्थान पर पहुंचाने के लिए हर आदमी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, ये जरूरी है। उसके लिए जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत पहुँचेगी।